दोस्तों, चाइना भारत के पड़ोसी देशों को साम दाम दंड भेद हर प्रकार से अपने साइड में करने में लगा हुआ है, ताकि जैसे भी हो सके वैसे भारत के चारों तरफ के पड़ोसी देश चीन के कब्जे में आ जाएं, ताकि भारत को घेरने में चीन को आसानी हो जाए। और इसीलिए भारत के पड़ोसी देशों के अंदर चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट को बहुत जोरों शोरों से फैलाने में लगा हुआ है। परंतु 7 साल हो चुके हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल के अंदर BRI प्रोजेक्ट में कोई सकारात्मक वृद्धि देखने को नहीं मिली है, क्योंकि नेपाल भी अब चीन के इस BRI प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा डर रहा है। दरअसल नेपाल और चाइना के बीच में BRI प्रोजेक्ट का जो करार है वो 2017 में हो चुका था। तब से चीन का दावा है कि हम नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत, परंतु नेपाल की सरकार इसको खारिज कर देती है। नेपाल का कहना है कि अभी नेपाल के अंदर BRI प्रोजेक्ट लागू हुआ नहीं है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि नेपाल को डर लगता है कि कहीं चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने से भारत के साथ हमारे रिश्ते ना टूट जाएं, और दूसरी बात चीन के कर्ज जाल में फंसने से भी नेपाल काफी ज्यादा डर रहा है। और इसी कारण से नेपाल का चीन से कहना है कि तुम हमें अनुदान दो, परंतु चाइना नेपाल को पैसों के लिए एक बड़ा लोन देना चाहता है। अब आप सभी जानते हो कि अनुदान का पैसा वापस करना नहीं पड़ता है और ऋण हमें लौटाना पड़ता है, और इसी कारण से जो चीन का BRI प्रोजेक्ट है वो 7 साल से बीच में लटका हुआ है, परंतु नेपाल के अंदर आगे बढ़ नहीं रहा है। परंतु अभी नेपाल के मंत्री का कहना है कि जैसे ही भारत के अंदर चुनाव हो जाता है तो इसके ऊपर हम कोई फैसला लेंगे, क्योंकि आम चुनाव के समय में यदि हमने चीन के साथ इस प्रकार की डील की तो हमारे मित्रों के साथ हमारे संबंध खराब भी हो सकते हैं। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और यदि नेपाल चाइना के पाले के अंदर जाता है तो क्या भारत को नेपाल के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।